थोड़ा लो इंगल चुको हेडी गंदी की ऑडियो बंद हो ऑडियो लद्दाख में कोविड 19 के कल हमको 34 सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं, जिसमें से दो केसेस हमारे पॉजिटिव आए हैं। ये जो दो केसेस पॉजिटिव आए हैं, पूर्व में जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे उन्हीं के रिश्तेदार हैं, और उनको पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर हार्ट फाउंडेशन है जहाँ पर कि क्वारंटाइन कर रखा है। जैसे कि हमको इनके पॉजिटिव आने की खबर मिली है, डायरेक्टर हेल्थ और CMO ले उन्होंने उनको अटेंड किया है, और जो दो पॉजिटिव केसेस है उनको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफर किया है। सर, ये जो पॉजिटिव केसेस में हमें सुनने में है, इसमें एक इंडियन आर्मी का जवान भी है क्या? जो पुराना हमारा एक पॉजिटिव केस है, क्योंकि उनके फादर खुद ईरान गए थे और वो भी पॉजिटिव है, तो वो बताया जा रहा है कि वो लद्दाख स्काउट्स के हैं। आज सुबह मैंने लद्दाख स्काउट के ऑफिसर के साथ बात किया है। इसमें जो अच्छी बात यह है, अगर हम देखा जाए कि जो पॉजिटिव केस है वो छुट्टी पे थे, तो जिसके वजह से उनका लद्दाख स्काउट्स में जो बाकी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं आया है। फिर भी लद्दाख स्काउट्स को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों ने कहा है कि वो अपने टीम पे वहाँ वॉच रखे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, पर फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। सर, लोगों का एक कंसर्न भी है कि काफ़ी डेलीगेशन लेके हिल काउंसिल के अंदर रहते गवर्नर साहब के आते हैं, वो भी एक फिर लोगों को सजेस्ट नहीं करेंगे कि इससे और जो ऑनलाइन ये सब हो सकते हैं, तो हमने पूर्व में भी पब्लिक से अपील किया है कि वो कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम जाए। आपको जैसी जानकारी है कि जिला प्रशासन कारगिल ने और आज जिला प्रशासन ले भी CRPC 144 में एडवाइजरी जारी करने वाले हैं, तो उसको देखते हुए कि हम लोगों को उम्मीद है कि जो भीड़ है वो थोड़ा कम होगा, बट ऑफिसेस चलेंगे, सरकारी काम बिल्कुल चलेगा, और वहाँ पर जो भी एप्लीकेंट्स वगैरह आते हैं उनके ग्रीवांसेस को हम लोग सुनेंगे। अपील ये है कि वो कम से कम मात्रा में लोग आए, और वहाँ पर अगर भीड़ कम हो तो उससे सबको फायदा होगा। अभी तक हमने कितने सैंपल्स कलेक्ट किए और कितना रिजल्ट अवेट है? अभी कल 34 सैंपल्स हमारे आ गए थे, और 70 के लगभग सैंपल्स अभी हमारे अवेटेड हैं, जो कि आज कल में आ जाना चाहिए।